पर्यावरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा वीडियो देखेंगे। दो वीडियो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्थलीय पारितंत्र में। स्थलीय पारितंत्र का जो मैंने पहला वीडियो बताया था उसमें हमने वन बताया था, तो वनों के बाद आज मेरा जो वीडियो होगा इसे हम घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा बायोम क्षेत्रों के बारे में देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में कैसे लाभदायक हैं और क्या क्या इनकी उपयोगिता है, उनको आज हम देखेंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि कोई भी पर्यावरण होता है उसमें जैविक और अजैविक घटक मिल करके क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। उसमें जैविक और अजैविक घटक होते हैं। तो कोई भी क्षेत्र है, मान लीजिए मरुस्थल है या घास का मैदान है, तो उनका अपना अलग अलग क्या होता है, उसके अपने अलग घटक होते हैं। उन्हीं घटक के आधार पर वहाँ का जो जीवन होता है वो डिसाइड होता है कि वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी होंगी, वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ के जितने पेड़ पौधे वगैरह जो होंगे सब इसी पर डिसाइड करेगा कि वहाँ की घटक कैसे हैं। घटक जैविक और अजैविक दोनों हो सकते हैं। तो पहले वीडियो में हम वन बता चुके थे। वनों के बाद का मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पहला वो जो चार्ट था उसको पूरा बना लिए होंगे। सबसे पहले मैंने डिवाइड किया था कि कृत्रिम और प्राकृतिक में। प्राकृतिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जलीय और स्थलीय। तो स्थलीय के अंतर्गत हमने बताया था वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंडा, इतने मैंने बताया, जिसमें वन वाला चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया था। तो मेरा जो है घास का मैदान, तो हम शुरुआत करेंगे घास के मैदानों से। घास के मैदान, कोई भी घास का मैदान वो मैदान क्यों है, क्योंकि उसमें पेड़ पौधे क्या होते हैं, बढ़ नहीं पाते। इसका मतलब है वहाँ पे वर्षा क्या होती, कम होती। वर्षा तो मरुस्थल की तुलना में तो अधिक होती है, लेकिन मरुस्थल की तुलना में होने के बाद भी वहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण, एक प्रकार से कहें कि हवा बहुत जल्दी भाप बन जाती है। मतलब पानी का क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होने लगती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं पनप पाते हैं। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे घास वगैरह पाई जाती है। लेकिन घास का मतलब आप ये समझिएगा कि घास की जो पत्तियाँ होंगी वो किस तरीके की होंगी, काफ़ी नुकीली होंगी और लंबी होंगी। मतलब क्या होंगी, पतली कागज़ की जैसे दिखेंगी, कैसे कागज़ की तरह पे, मतलब कि ज़्यादा उनकी मोटाई गोलाकार में नहीं होगी। तो क्या होती है, घास की पत्तियाँ, जैसे मैंने फिगर बनाया भी है यहाँ पे, पत्तियाँ दिखती हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, याद रखिएगा, पेड़ पौधे नहीं उग पाते क्योंकि पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता है, इसलिए पेड़ पौधे नहीं उग पाते। वैसे किस तरह पर अगर हम देखें, घास के मैदानों को मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक शीतोष्णकटिबंधीय, दूसरा उष्णकटिबंधीय। जैसे ये से फिगर है, इसमें अगर हम बताया था कि जो ये वाला क्षेत्र होता है कर्क और मकर का, ये क्या होता है, ये होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो भी घास पाए जाते हैं उनको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। वैसे किस तरह पर देखेंगे तो बहुत से घास के मैदान हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, भी उनको हम बता रहे हैं कौन कौन से। और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय, मतलब शीतोष्णकटिबंध में पाए जाने वाले, मतलब अंटार्कटिक वृत्त और मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच के जो भी क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, घास शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा। शीतोष्ण, शीत और उष्ण का मिक्सचर, इसके ऊपर फिर शीतकटिबंध आ जाएगा, शीतकटिबंध। तो हम देखते हैं पहले शीतोष्णकटिबंध, फिर उष्ण में आएंगे। वैश्विक स्तर पे घास के मैदान बहुत सारे हैं, जिनके नाम देखे मैं लिखे दे रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिए कौन कौन से घास मैदान वैश्विक स्तर पर शीतोष्णकटिबंध में आते हैं। जैसे देखिए पहला है कैंटरबरी, वैसे मैं विश्व भूगोल में इनके बारे में बता चुका हूँ, न्यूजीलैंड का है कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, वेल्ड, ये कहाँ है, वेल्ड है साउथ अफ्रीका। इसके बाद में डाउंस ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद हम देखेंगे तो पंपाज कहाँ का है, अर्जेंटीना, और तारानाकी ये कहाँ है, ये न्यूजीलैंड का ही है, न्यूजीलैंड। और प्रेरी है, स्टेपी है, प्रेरी है, स्टेपी है, और पुस्टाज, ये सब कैसे हैं, ये सभी शीतोष्णकटिबंधीय में आते हैं। सब कैसे, शीतोष्णकटिबंध के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका विस्तार जो है शीतोष्णकटिबंध में है, इनको याद रखिएगा। फिर आप बात आती है उष्णकटिबंध में, मतलब वैश्विक स्तर पर जो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं घास के मैदान, उनको हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, उनको हम देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखिए सबसे पहले है सवाना शब्द की अब देखेंगे तो ये कहाँ से लिया गया है, सूडान से। लेकिन अगर हम देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर सवाना कहाँ का है, सवाना अफ्रीका का है, सवाना अफ्रीका, मतलब मध्यवर्ती अफ्रीका के आसपास के क्षेत्रों में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, इनमें लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। और दूसरा लानोज है, लानोज कहाँ, वेनेजुएला और कोलंबिया की सीमा पर पड़ता है, मैंने बता चुका हूँ। लानोज की खासियत ये है कि इसमें ट्रीलेस सवाना कहें, इसको भी नाम दिया जाता है ट्रीलेस सवाना, मतलब वृक्ष रहित सवाना भी कहते हैं, किसको, लानोज को कहते हैं, लानोज। और वैश्विक स्तर पर हम देखें कौन कौन से हैं, तो एक पड़ता है कागोन कहाँ का है, फिलीपींस है।
फिर एक कैंपोज, कैंपोज ब्राज़ील, और हम देखेंगे तो वैश्विक स्तर पे सेरेंगेटी है। सेरेंगेटी कहाँ का है? सेरेंगेटी पड़ता है तंजानिया में। ये सब इतने घास के मैदान कौन से हैं? ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। सेरेंगेटी, कंपोज, कागोन, सवाना, ये सब कैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, जिनको याद रखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन क्षेत्रों में ग्रास हॉपर वगैरह का जब हम देखेंगे तो पाए जाते हैं बहुत से ऐसे, जितने भी अगर हम देखें वैश्विक स्तर पर अफ्रीका वगैरह में, तो जितने भी शाकाहारी जीव हैं, मतलब शाकाहारी जितने भी जंतु हैं, चाहे वो बैल हो, भैंस हो, जो भी हैं, तो उनके लिए क्या है कि भोजन देने का कार्य कौन करते हैं? ये सभी घास के मैदान ही करते हैं। मतलब कि हिरण हो, चाहे वो कोई भी जानवर शाकाहारी हो, प्राथमिक स्तर पर उत्पादन को हम देखेंगे तो सबसे पहले यही करने का कार्य करते हैं। कौन? घास के मैदान। पारितंत्रिक एक प्रकार से कहें कि पूरी पृथ्वी के ऊर्जा के प्रवाह को संजोए हुए एक प्रकार से कह सकते हैं कि वही आगे ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। इनको याद रखिएगा, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसके बाद में आएगा मरुस्थल। मरुस्थल को मरुस्थल इसलिए कहते हैं क्योंकि मरुस्थल मतलब कि एक प्रकार से कहते हैं जहाँ पर जीने की दशाएँ ना हो, किसी भी जीव के जीने की दशाएँ ना पाई जाती, उनको मरुस्थल कहते हैं। लेकिन बहुत से जीवटधारी जीव होते हैं जो इनमें भी पनप जाते हैं, तो उनको हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से मरुस्थल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, शीतोष्ण और उष्ण। मतलब शीतोष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध में पाए जाने वाले जो भी हैं उनको हम कहते हैं। शीतोष्ण मतलब कि एग्जांपल के तौर पे शीतोष को देखेंगे तो एग्जांपल पैटागोनिया ले लीजिए, कैसा शीतोष्णकटिबंधीय है। और ऊपर की तरफ हम देखें तो गोभी का मरुस्थल कैसा शीतोष्णकटिबंध में ही आता है। तो कैसे हैं? शीतोष्ण में आएंगे। शीतोष्ण में अगर हम देखें तो यहाँ पे बर्फ का चूरा पाया जाता है, जो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड भी बर्फ के चूरे के रूप में पाई जाती है। इनमें वनस्पतियाँ नॉर्मल में तो नहीं उग पाती, लेकिन कुछ ऐसी वनस्पतियाँ होती जो इनमें उग आती हैं। यहाँ के जीवों को देखेंगे या मान लीजिए यहाँ के जो जंतु वगैरह हैं, तो उनकी पक्षी वगैरह के लिए, उनकी टांगे वगैरह काफ़ी लंबी होती हैं। टांगे लंबी होने की वजह से क्या होता है, वो रेत की गर्मी से क्या होते हैं, दूर रहते हैं। उनकी जो रेत की गर्मी से दूर रहते हैं और अपने शरीर की रक्षा करते हैं। तो एक प्रकार से याद रखिएगा, जितने भी जीव यहाँ के होते हैं उनकी टांगे वगैरह लंबी पाई जाती हैं। जो पौधे वगैरह पाए जाते हैं उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक इमीफेरल है। इमीफेरल का मतलब ऐसे क्षेत्रों में पाया जाएगा जहाँ पर पानी ज़्यादा पाया जाता है, मतलब मरुस्थली क्षेत्रों में भी। जब किसी मरुस्थली क्षेत्र में बारिश कहीं दूर भी होती है तो क्या होता है, नदियों के सहारे बाढ़ आ जाती है। तो जो नदियों का तटीय क्षेत्र एक प्रकार से कहें जो मरुस्थल में बहती हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पतियों को इमीफेरल कहते हैं। इनको पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है तभी ये पनपेंगी, नहीं तो नहीं पनपती। इनको हम और भी देखेंगे तो इनको एक स्थानीय स्तर पर नाम दिया जाता है, जिनको बोलते हैं गोरेऊ। ये वैसे नाम दिया गया है, अमेरिका से संबंधित है गोरेऊ। मतलब कि जब भी किसी मरुस्थल में बीच में अगर जो कोई हरा भरा क्षेत्र पाया जाता है उसको बोलते हैं गोरेऊ। इसको याद रखें, गोरेऊ। तो इसमें क्योंकि उस क्षेत्र में वनस्पतियाँ कौन होंगी, इमीफेरल ही पाई जाती हैं, ओएसिस भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है गुदेदार। गुदेदार वनस्पतियाँ जो होती हैं अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी को इकट्ठा कर लेती हैं। आप नागफनी का पौधा देखिए तो उसमें अगर जो आप चीरा बीज लगाएंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। तो क्या नागफनी का पौधा गुदेदार होता है? वो क्या करता है, अपनी नमी को बचा करके अपने अंदर रखे रहता है। इनको याद रखिएगा। तो इनमें क्या होती है गुदेदार, मतलब कैक्टिया, कैक्टस जिसको कहते हैं, कैक्टस। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए एलोवेरा, जिसको धृत कुमारी भी कहते हैं, वो भी देखिए कितना गुदेदार होता है। अगर जब उसमें बीच में चीरा लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें से लिक्विड गाढ़े तरीके का निकलता है उससे। तो क्या वो सब गुदेदार में आते हैं। फिर होते हैं छोटे वृक्ष। छोटे वृक्ष या झाड़ियाँ भी कह सकते हैं, ये ऐसे पाई जाती हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी झाड़ियाँ होती हैं, इनमें मेन पौधा एक होता है टैमरिस्ट। टैमरिस्ट पौधा हो गया, बबूल हो गया, और एग्जाम ये सब ऐसे पौधे पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें इतनी गहराई तक पहुँच जाती हैं, कि इनको रेगिस्तान में भी पानी मिल जाता है। तो उनमें एक प्रमुख पौधा कौन सा है, टैमरिस्ट है। इसको याद रखिएगा, टैमरिस्ट है। इन क्षेत्रों में अगर हम देखें बबूल के पेड़ वगैरह भी पाए जाते हैं। बबूल का यूज वगैरह हम देखेंगे तो बबूल का यूज हम कर सकते हैं चिंगम बनाने में, टॉफ़ी बनाने में, सिरप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, छोटे वृक्षों में टैमरिस्ट वगैरह आते हैं, इनको याद रखिएगा। तो मरुस्थल के क्षेत्रों में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। शीतोष्ण और इनके जैविक घटक चेंज है इसलिए मरुस्थल है। अगर हम देखेंगे वैश्विक स्तर पर तो जितने भी महाद्वीप हैं उनका पश्चिमी किनारा जो होता है वो कैसा होता है, मरुस्थली होता है। उसके पीछे कारण है, कि वहाँ पर ठंडी जलधारा बहती। ठंडी जलधारा बहने की वजह से कोई महाद्वीप ले लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अफ्रीका ले लीजिए। अफ्रीका का पश्चिमी तट हम देखेंगे तो उसमें उत्तर की तरफ सहारा, नीचे की तरफ देखते हैं तो कालाहारी मरुस्थल, नामिब जैसे मरुस्थल हैं। तो क्यों है, क्योंकि वहाँ पर ठंडी जलधारा बहती।
ठंडी जलधारा बहने की वजह से वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती, इसलिए बारिश वगैरह नहीं होती ठंडी जलधारा बहने की वजह से। इसलिए महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्या है हम देखेंगे तो मरुस्थलों का विकास हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठंडी जलधारा बहती है, अब बात आएगी ठंडी जलधारा पश्चिमी तट पर क्यों बहती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है पृथ्वी के घूर्णन उसमें मायने रखता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ऐसा होता है। तो मरुस्थल इनको याद रखिएगा। वैश्विक स्तर के मरुस्थल आप लोग जानते होंगे, जैसे USA में ले लीजिए सोनेरन मरुस्थल, चिहुआ हुआ मरुस्थल, मुआब मरुस्थल, ऐसे मरुस्थल USA के हैं। दक्षिण अफ्रीका में ले लीजिए तो अटाकामा का मरुस्थल, और नीचे की तरफ शीतोष में हम देखेंगे तो पेटागोनिया का मरुस्थल। अफ्रीका में जैसे मैंने बताया है, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है, उसको याद रखिएगा। उसका डिवीज़न नूबियन लीबियन मरुस्थल उसका डिवीज़न है, उसको भी याद रखिएगा। बाकी नीचे की तरफ हम देखेंगे तो नामी मरुस्थल और कालाहारी जैसे मरुस्थल हैं, और इन सब मरुस्थलों को आप भारत में देखें तो थार मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल भी याद रखिएगा। चीन का तकला मकान हो गया, तो ये सब मरुस्थल जो भी हैं उनको याद रखिएगा। वो सब किसके अंदर आएंगे, मरुस्थली परितंत्र के अंतर्गत आते हैं, इनको याद रखिएगा। फिर बात आएगा टुंड्रा, टुंड्रा का अर्थ ही होता है बंजर भूमि, टुंड्रा का अर्थ क्या है बंजर भूमि। ये अगर हम देखेंगे तो टुंड्रा का विकास उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है। आर्कटिक वृत्त के ऊपर टैगा के ऊपर का जो क्षेत्र है उनको क्या बोलते हैं टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं, टुंड्रा क्षेत्र। यहाँ पे वनस्पतियाँ अगर हम देखेंगे तो ना के बराबर पाई जाती हैं, लेकिन कुछ वनस्पतियाँ यहाँ पे पनप जाती हैं। तो टुंड्रा में अगर हम देखें तो पहली बात तो ये चीज़ याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा विस्तार है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखेंगे तो अंटार्कटिका पड़ता है, अंटार्कटिका पूरी तरीके से बर्फ पर जमा रहता है, मिट्टी का अभाव, इसलिए वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। जो भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में या आर्कटिक क्षेत्र में, जो भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो सभी पर्वतों की ढलानों पर पाई जाती, ताकि वो उत्तर से चलने वाली तेज हवाओं के झोंकों से बच सकें। इसलिए क्या होती है पर्वतों की ढलानों पर पाई जाती हैं वनस्पतियाँ, जिनमें करेबू मॉस वगैरह फेमस हैं, जो यहाँ के बियर बेरी, यहाँ के पोलर बियर वगैरह होते हैं इनको खाते हैं, बियर बेरी यहाँ की फेमस है, और करेबू मॉस, ये दो यहाँ की वनस्पतियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और यहाँ पे पशुओं को देखेंगे तो करेबू हो गया, आर्कटिक लोमड़ी हो गया, पोलर बियर हो गया, ये सब चीज़ें, ये सब क्या होते हैं पाई जाती हैं। जनजाति यहाँ की जानते होंगे एस्किमो वगैरह पाई जाती हैं, एस्किमो का मतलब ही कच्चा मांस खाने वाले, क्योंकि वो करेबू वगैरह क्या करते हैं मार के खाते रहते हैं, रेंडियर वगैरह ये सब खाते रहते हैं, उनकी मुख्य खुराक का भोजन। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखेंगे तो क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्या है जैव विविधता बहुत कम है, जैव विविधता कम होने की वजह से पोषण स्तर भी क्या है एक प्रकार से कहेंगे फूड वे बहुत कम होता है, मतलब जंतु कम है तो क्या होगा भोजन स्तर भी कम होता चला जाएगा। लोगों को लिए हर जीव को जीने के लिए क्या करना पड़ेगा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको उसमें भोजन आपको मिल सकता है। तो उत्तरी गोलार्ध कहें कि रेगिस्तानी क्षेत्र का बायोम, जो क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र हो, चाहे वो आर्कटिक वृत्त का क्षेत्र हो चाहे टुंड्रा टैगा हो, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हर जीव को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आपको ये स्थलीय पारितंत्र समझ में आ गया हो। स्थलीय पारितंत्र के बाद हम समुद्री पारितंत्र में आएंगे, या कहें जलीय पारितंत्र के अंतर्गत। जलीय पारितंत्र के अंतर्गत हम देखेंगे तो नदियों का पारितंत्र, मतलब कि स्वच्छ जल, समुद्री जल और संक्रमणशील जल, इन तीन क्षेत्रों के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।